हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द न्यू टर्म दैट इज नथिंग बट द शोधन। ओके, तो शोधन मीन्स शोधनम दोषहरणम। द नॉर्मली वी यूज द टर्म शोधन फॉर प्यूरिफिकेशन समथिंग। ओके, तो शोधन मतलब होता है किसी भी चीज़ का शुद्धिकरण। मीन्स जो उसमें जो दोष रहते हैं, उस पर जो इम्प्योरिटीज रहती हैं, इट मे बी फिजिकल और इट मे बी केमिकल, तो दोनों को जो निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम शोधन बोलते हैं। तो शोधनम दोषहरणम, उसमें जो इम्प्योरिटीज रहती है उसको निकाल, जिसके थ्रू हम निकालते हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, शोधन बोलते हैं। तो शोधन ये हम नॉर्मली दो ही थिंग्स का करते हैं, दो ही वस्तुओं का हम शोधन करते हैं। तो जो नॉर्मली जो हमारे द्रव्य रहते हैं, हर्बल ड्रग्स जो रहते हैं, उनका शोधन करते हैं, या तो हम हमारे पास जो रस औषधि रहती है, मीन्स जहाँ पे हम मेटल को एक औषधि के रूप में कन्वर्ट करके बॉडी में इंटेक करते हैं, बॉडी में यूज़ करते हैं उसका। ओके, तो बॉडी में औषधि के तौर पर रस औषधि, मीन्स बॉडी में जो मेटल रहते हैं उनका कन्वर्जन करके, उनका शुद्धिकरण करके, उनका शोधन करके हम बॉडी में अपने औषधियों के लिए, औषधि के तौर पर उनका उपयोग करते हैं। और जो द्रव्य गुण यानी कि जो हर्बल ड्रग्स का शोधन करते हैं, वो हम हर्बल ड्रग्स बनाने के लिए शोधन करते हैं। हर्बल जो ड्रग रहते हैं, हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए हम हर्बल ड्रग्स के शोधन करते हैं। तो नॉर्मली जो शोधन जो यानी कि जो प्योरिफिकेशन होता है, द्रव्य गुण के अनुसार हर्बल ड्रग्स के लिए रहता है। और जो शोधन जो रहता है वो द्रव्य गुण के अकॉर्डिंग हर्बल ड्रग्स का हम शोधन करते हैं। और जो रसशास्त्र जो सब्जेक्ट होता है, उसमें हम मेटल यानी कि जो मिनरल्स रहते हैं और जो मेटल रहते हैं, जो माइन करके अर्थ क्रस्ट से जो निकाले हुए रहते हैं मेटल या फिर मिनरल्स, उनका हम शोधन करते हैं। ओके, शोधन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज रहती है, फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटी। फिजिकल इम्प्योरिटीज हम नॉर्मली हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो केमिकल इम्प्योरिटीज जो रिसाइड होता है उस मेटल या फिर उस मिनरल्स में या फिर उस ड्रग में, उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, इसलिए हम शोधन के प्रोसीजर करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट, दैट इज अबाउट शोधन। उसके हम श्लोक की बात करेंगे, तो श्लोक को हम अच्छे से रीड आउट करेंगे। सो दैट इज नथिंग बट द उद्दिष्टे औषधे साध्यम क्रियते पेशनादिकम। उद्दिष्टे औषधे मीन्स औषध को लाना है, उद्दिष्टे मीन्स औषध को लाना है, उद्दिष्टे औषधे, औषधे मतलब कौन सा औषध, यानी कि जिसका औषध बनाना है हमें। तो अगर रस औषधि बनाना है तो उसके लिए मेटल या फिर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हमें लाना है। उसको लाने के बाद साध्यम क्रियते पेशनादिकम, साध्यम क्रियते पेशनादिकम, पेशनादिकम मीन्स जो मैंने नया टर्म बताया था, निर्वाप, आवाप, ढालन, तो ये सब जो टर्म होते हैं ये शुद्धिकरण के लिए यूज़ होते हैं। शुद्धिकरण के लिए यूज़ मतलब जो निर्वाप होता है, निर्वाप करने से हम क्या करते हैं, जो कोई भी मेटल रहता है उसको हीट करने के बाद किसी लिक्विड में डिप करते हैं। निर्वाप, ढालन, आवाप, ये सभी मैंने अलग वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पे मैंने इसको पोस्ट किया। ओके, तो वो आप देख सकते हैं। तो निर्वाप, आवाप, ढालन, ये सब मर्दन, ये सब जो प्रोसीजर रहते हैं, हम उसमें द्रव्यों के शोधन के लिए ये सब प्रोसीजर करते हैं, उस प्रोसीजर को हम पेशनादिकम बोलते हैं। ओके, तो औषध बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें लेके आना है, उसमें साध्यम क्रियते पेशनादिकम, उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करना है, उसमें कुछ हमें डन करना है। ओके, तो इम्प्योरिटीज निकालने के लिए हमें कुछ उसमें एक्टिविटी करना है, तो क्रियते मीन्स एक्टिविटी करना है, पेशनादिकम क्या, कौन सी एक्टिविटी करना है, निर्वाप, आवाप, ढालन, ये सभी प्रोसीजर से ये सभी एक्टिविटी हमें करना है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको वहाँ पे जहर मोहरा एक पत्थर होता है, यानी कि ये भी समथिंग आयरन के कंपाउंड रहते हैं, तो उसका शोधन करते हुए मैंने नॉर्मली वहाँ पे आपको निर्वाप का प्रोसीजर दिखाया, लेकिन ढालन, निर्वाप, आवाप, ये सभी भी पेशनादिकम के अंतर्गत आते हैं। तो शोधन जो रहता है वो निर्वाप, आवाप, ढालन, इन सभी से द्रवों रसों के शोधन या फिर शोधन कैरिड आउट होता है। ओके, तो मल विच्छेद है, उसको करने से मल बाहर निकल जाते हैं। मल कौन से मल, जो केमिकल इम्प्योरिटीज रहती हैं, जो फिजिकल इम्प्योरिटी रहती है, वो बाहर निकल जाते हैं। यतु शोधनम तदो उच्यते, इसी को हम शोधन टर्म बोलते हैं। तो एक बार फिर से श्लोक को रीड आउट करते हैं। उद्दिष्टे औषधे साध्यम क्रियते पेशनादिकम, मल विच्छेद है यतु शोधनम तदो उच्यते। पेशनादिकम वही कि निर्वाप, आवाप, ढालन जो रहता है उसको हमें करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शोधन बोलते हैं। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे आपको स्लाइड में भी वीडियो दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहर मोहरा एक पत्थर रहता है, वहाँ पे तप्त किया हुआ यानी जहर मोहरा पत्थर को
हमें अग्नि पर तप्त करने के बाद डायरेक्टली डिप करना रहता है एक लिक्विड मीडियम में। इसी प्रोसीजर को निर्वाप बोलते हैं। तो निर्वाप से किसी द्रव्य का शुद्धिकरण होता है तो उसको निर्वाप शुद्धिकरण टर्म देते हैं। किसी द्रव्य का शुद्धिकरण हम ढालन प्रोसीजर से करते हैं। ढालन क्या होता है? ढालन मतलब ये रहता है कि जिस किसी भी मेटल का, जिस किसी भी मिनरल्स का हमें शोधन करना है उसको मेल्ट करना रहता है। मेल्ट करने के बाद उसको किसी दूसरे लिक्विड मीडिया में, मेल्टेड मेटल को किसी दूसरे लिक्विड में हमें डालना रहता है। उसके बाद लिक्विड में डालने के बाद वो क्या हो जाता है कि वो फिर से सोलिडिफाई हो जाता है। तो ऐसे कुछ नंबर डिसाइड रहते हैं कि इतने बार हमें ये प्रोसीजर कैरी आउट करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये शो रहेगा कि जहर मोरा पत्थर को हीट करने के बाद आंवले के क्वाथ में हमें डिप करना रहता है। तो आंवले के क्वाथ में डिप करने के बाद जब वो फिर से पूरा कूल आउट हो जाता है, अगेन उसको हीट करना है, अगेन डिप करना है। तो ड्यूरिंग डिपिंग जो हमारा क्वाथ है, क्वाथ को हमें रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। ये टोटल 21 टाइम हम रिपीट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो मिनरल्स रहते हैं, अलग अलग जो मेटल रहते हैं, इनका शोधन के लिए अलग अलग नंबर्स बताए गए हैं। तो ये करने से हमारे जो जो ड्रग्स रहते हैं या फिर जो रस द्रव्य रहते हैं वो उनका शुद्धिकरण हो जाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये प्ले होएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हीट किया हुआ था, उसको हमने आंवले क्वाथ में डिप किया। आंवले क्वाथ में डिप करने से ये रहता है कि इसकी शुद्धिकरण इजीली से हो जाती है। ये जो डिप किया है ये जहर मोरा पत्थर होता है। ओके, अभी डिप करने के बाद आप देख सकते हैं उसको अगेन हम लिक्विड बाहर निकालने के बाद लिक्विड को भी फेंक दे रहे हैं। आंवले क्वाथ को हम फेंक देते हैं, जहर मोरा पत्थर फिर से हम अगेन उसको अग्नि पर हीट करने के लिए उसको रखेंगे। तो ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर हम 21 टाइम करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं 21 बार निर्वाप प्रोसीजर। 21 बार निर्वाप करने से किसी रस द्रव्यों का शुद्धिकरण हो जाता है तो उसको 21 निर्वाप बोलते हैं। ऐसे कुछ द्रव्यों के लिए 7 निर्वाप रिक्वायर होता है, कुछ द्रव्यों के लिए 3 ही निर्वाप रिक्वायर होता है। ऐसे हम टर्म ढालन बोलते हैं कि 7 ढालन रिक्वायर है, यानी कि मेटल को मेल्ट करके लिक्विड में पोर करना, ये एक टाइम हुआ। फिर से अगेन इस प्रोसीजर को हमें 7 टाइम रिपीट करना है। तो ऐसे नाग एन वंग शोधन मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें हम टोटल 7 टाइम चूर्णोदक में डालते हैं। तो चूर्णोदक क्या होता है? निर्गुंडी क्वाथ में हम नाग एन वंग को डालते हैं। तो नाग एन वंग जो मेटल रहते हैं इसका ध्रुतीकरण करते हैं, यानी कि ढालन करते हैं। तो नाग एन वंग को मेल्ट करने के बाद हम उसको निर्गुंडी क्वाथ में या फिर चूर्णोदक में डालते हैं। तो इसको डालने से उसका शुद्धिकरण होता है। तो इसके लिए हम 7 ढालन रिक्वायर होता है। 7 ढालन मीन्स उसको 7 बार मेल्ट करके 7 बार लिक्विड में डालते हैं। तो ऐसे रस द्रव्यों का शुद्धिकरण करने के लिए अलग अलग नंबर्स बताए गए, अलग अलग तरीके बताए गए। वही मैंने बताया था कि पेशनादिकम मतलब होता है कि निर्वाप, आवाप, ढालन, ये सब टर्म हम पेशनादिकम के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके एम्स क्या होते हैं, मतलब उसके रिजल्ट क्या आते हैं शोधन करने के। तो कन्वर्टिंग द मेटल एंड मिनरल्स इंटू माइक्रोफाइन स्टेट ऑफ ब्रेकिंग इंटू मॉलिकुलर कोइंस, यानी कि जो शोधन रहते हैं, शोधन करने के बाद वो क्या हो जाता है, उसके जो पार्टिकल के जो डिस्टेंस, यानी कि जो पार्टिकल इंटरमोलिकुलर जो फोर्स रहता है वो कम हो जाता है, वो पार्टिकल थोड़ा सा वीक हो जाता है, मीन्स माइक्रोफाइन में कन्वर्ट करने के लिए वो एबल हो जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ अनडिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ओके, जो अनडिजायरेबल यानी कि जो रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, द मॉडिफिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ओके, तो उसमें चेंज हो जाता है। ओके, यानी कि वो निकल जाता है, जो फिजिकल इम्प्योरिटीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं रिक्वायर होती है वो निकल जाता है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक और हार्मफुल इम्प्योरिटीज, वही मैंने बताया कि जो फिजिकल या फिर केमिकल इम्प्योरिटीज होती है वो उससे इराडिकेट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। इनहांसिंग द थेरेपेटिक एफिशिएंसी, तो मल विच्छेद है, मल का बाहर निकल रहा है, यानी शोधनम दोषहरणम, उनके दोषों का हरण हो रहा है। तो होगा क्या, वो किस लिए कर रहे हैं? उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के गेन के लिए कर रहे हैं। ओके, यही ऑब्जेक्टिव, यही इसके एम्स होते हैं शोधन करने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे, मारण। ओके, तो मारण क्या होता है? मारण में हम मेटल्स रहते हैं, यानी कि जो धातु रहते हैं या फिर जो रसद्रव्य रहते हैं उनका हम भस्म बनाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मारण बोलते हैं। मारण में मतलब यही रहता है कि इंसिनरेशन ऑफ एनीथिंग, इंसिनरेशन ऑफ मेटल, इंसिनरेशन ऑफ मेटल मिनरल्स। तो धातुओं के भस्म बनाने के प्रोसीजर को हम मारण बोलते हैं। तो इसका हम श्लोक के थ्रू देखेंगे। दैट इज नथिंग बट शोधितान लोहा धातुवादी, पूरा श्लोक लिख देते हैं। ओके, तो शोधितान लोहा धातुवादी बी मर्दय स्वरस आदि भी अग्नि संयोगते भस्मीकरण मारणम इति स्मृतम, यानी कि शोधन करने के बाद शोधितान लोहा धातुवादी,
शोधन करने के बाद जो लोह धातु है, लोह धातु मतलब स्वर्ण धातु है, ताम्र धातु है, नाग धातु है, तो जितने भी लोह धातु है उसका हमें क्या करना है, लोह धातुवादी जितने भी आदि मीन्स गंधक है, पारद यानी कि मर्क्यूरी है, ऐसे अलग अलग जो लोह एन धातु ये सभी का क्या करना है, फिर से अगेन इसको मर्दन करना है। किसके साथ? स्वरस के साथ। नॉर्मली हम मर्दन किसके साथ करते हैं? नॉर्मली हम हमारा जो रस औषधि बनता है हम उसमें क्या करते हैं, हर्बल्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो, मतलब शोधित किया है वो शोधन जो हमने हमारा जो किया गया वो मेटल या फिर मिनरल्स होगा, यानी कि वहाँ पे हम रस द्रव्य का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मली अगर हम बोले मेटल का यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि वहाँ पे हम मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं, मेटल या फिर मिनरल्स आप बोल सकते हैं। अब वहाँ पे मतलब मर्दन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वरस किसका लेते हैं, हम एलोवेरा नॉर्मली यूज़ करते हैं, वहाँ पे ग्वार पाटा का यूज़ करते हैं, तो कुमारी स्वरस हम यूज़ करते हैं, तो कुमारी का जो पल्प होता है उसको हम नॉर्मली उससे मर्दन करते हैं। तो शोधित किया हुआ जो भी मेटल या फिर जो मिनरल्स होता है उसको हम मर्दन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, हर्बल मेडिसिन के, हर्बल ड्रग्स के थ्रू करते हैं। कौन सा? कुमारी। तो मेटल या फिर मिनरल्स जो रहता है हमारा उसको हम हर्बल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जो हमारा जो ड्रग्स की निर्माण होता है यानी कि जो रस औषधि बनता है वो हर्बो मिनरल ड्रग्स होता है। हर्बो मिनरल ड्रग्स इसलिए हम करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम स्वरस के लिए एलोवेरा या फिर अलग हर्बल ड्रग्स यानी कि वनस्पतिक द्रव्य का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे एसिमिलेशन पावर बढ़ जाती है बॉडी में, वो जो मेटल या फिर मिनरल्स है उसका अब्जॉर्प्शन फास्ट होने लगता है बॉडी में, और वो फास्ट जब अब्जॉर्ब होगा तो बॉडी में वो जल्दी से पूरे बॉडी में वो स्प्रेड हो जाने के बाद थेरेपेटिक गेन या फिर थेरेपेटिक प्रॉपर्टी अपना शो कर सकता है। बाद में उसको मर्दन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके पैलेट बनाते हैं। मैंने वहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में दिखाया है तो आप देख सकते हैं। उसको पैलेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, शराब संपुट करते हैं, शराब संपुट में रखते हैं। शराब संपुट में रखने के बाद उसको अग्नि देते हैं। अग्नि पहले के ज़माने में हम पूट का थ्रू करते थे, यानी कि अग्नि जब देते थे तो उसमें उपले का यूज़ करते थे, यानी कि काउडंग केक्स का यूज़ करते थे। तो अग्नि देने, अग्नि का यूज़ नॉर्मली हम मॉडर्न टाइम में मफल फर्नेस या फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं जो नॉर्मली एक हाई रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट जो कि देते हैं। उसके बाद इसी से भस्मीकरण मतलब भस्म बन जाता है धातु या फिर खनिजों का। मारणम इति स्मृतम, इसी को हम मारणम बोलते हैं। तो शोधितान लोह धातुवादि, शोधित किए हुए जो लोह आदि धातु है, गंधक इत्यादि जो भी हैं उनका मर्दन करना है। स्वरस आदि भी मर्द या स्वरस आदि भी ही अग्नि संयोगते, मर्दन करने के बाद उनको पैलेट बनाना है, उसकी चक्रिका बनानी है। चक्रिका को हमें शराव संपुटी करना है। शराव संपुट कर रखने के बाद उसको हमें अग्नि देना है, अग्नि संयोगते, इसी को हम क्या बोलते हैं, भस्मीकरणम, भस्म इससे बन जाता है, इसी को हम मारणम बोलते हैं। मारणम मीन्स इसी को हम मारण प्रोसीजर बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेसिंग मेथड मेंशन फॉर ईच मेटल एंड मिनरल स्पेसिफिक एंड डिफरेंट। तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग बताया गया। ओके, तो रस मतलब अगर गंधक का भस्म निकालना है तो अलग पुट यानी कि इतने इंटेंसिटी ऑफ हीट देना है, हमें इससे मर्दन करना है। तो नॉर्मली मैंने बताया कि जो भस्म बनाना था कि ग्वार पाटा का हम रस लेते हैं यानी कि कुमारी का स्वरस लेते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे रहते कि सॉरी कुछ धातु या फिर कुछ खनिज ऐसे रहते कि उनका भस्म के लिए हमें नींबू स्वरस के यूज़ रहते। तो नॉर्मली अलग अलग मेथड बताए गए, लेकिन हमारा जो नॉर्मली जो रिजल्ट ऑप्टेन होने वाला है वो क्या रहता है, हर्बो मिनरल ड्रग हमें ऑप्टेन होता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज भस्मा। ओके, यानी भस्म हमें फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे आपको चार्ट फॉर्म में दिखाई देगा कि कैसे हम करते हैं। तो मेटल या फिर मिनरल्स का शोधन करने के बाद, शोधन तो नॉर्मली दो तरीके से होता है, सामान्य शोधन या फिर विशेष शोधन। तो सामान्य विशेष शोधन से दोनों टाइप से शोधन होता है। तो सामान्य शोधन से नॉर्मली ये रहता है कि नॉर्मली हम इसको अगर ग्रॉस लेवल पे अगर हम इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो ग्रॉस लेवल पर बनाने के लिए सामान्य शोधन का यूज़ करते हैं। विशेष शोधन हम इसलिए करते हैं कि अगर वो ड्रग या फिर को ज़्यादा कॉस्टली है तो उसका विशेष शोधन करते हैं कि वो थेरेपेटिक प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से शो कर सके। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था नाग एंड वंग शोधन में कि नाग एंड वंग का शोधन जो रहता है उसके सामान्य शोधन हम चूर्ण रग में करते हैं, लेकिन अगर नाग एंड वंग हमें जो उससे जो भस्म बनता है उसको शोधन करने के लिए मतलब वही बताया कि भस्म के एक
पहला स्टेप जो रहता है शोधन। तो नागन वंग का शोधन के लिए हम वहाँ पे विशेष शोधन करते हैं निर्गुंडीक्वात में। निर्गुंडीक्वात इसलिए करते हैं क्योंकि जो नागन वंग भस्म होता है वो एक त्रिवंग भस्म, एक भस्म रहता है कि नागन वंग और एक ड्रग उसमें ऐड हुआ रहता है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन त्रिवंग भस्म एक निर्माण होता है। तो त्रिवंग भस्म जो रहता है ये बहुत ही कॉस्टली रहता है। इसके कॉस्टली ज़्यादा रहने की वजह से हम उसका विशेष शोधन करते हैं कि वो ज़्यादा कॉस्टली हो और जो पब्लिक जो रहती है उनको थेरेपेटिक गेन हो, फार्माकोलॉजिकल बॉडी में जाने के बाद वो अपना एक्टिविटी शो करे, अपना एक्टिविटी दिखाए, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको विशेष शोधन के थ्रू करते हैं। तो नॉर्मली सामान्य विशेष शोधन ये दो शोधन रहता है, सामान्य मीन्स नॉर्मली हम कर सकते हैं। विशेष शोधन वो रहता है कि अगर वो ज़्यादा एफिशिएंसी या फिर उसकी कॉस्टली है तो उसको हम विशेष शोधन करते हैं। तो शोधन करने के बाद मारण करते हैं, मारण में भावना करते हैं, वही मैंने बताया मर्दन करते हैं। एंड मर्दन करने के बाद उसको हम पुटपाक करते हैं, यानी कि उसको हीट देते हैं। तो नॉर्मली पुटपाक हम पुट करते थे, मैं पुट एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो पुट नॉर्मली हम हीट अप्लाई करते हैं और अभी मॉडर्न के टाइम में हम उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस या फिर मफल फर्नेस में रखते हैं जो एक हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट उस पर्टिकुलर शराब संपुट को दे सकता है या नहीं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आप वो डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो मेरा खलवंत्र रहता है, एक खलवंत्र में यहाँ पे इसका चक्रिका बनाने के बाद यहाँ पे चक्रिका बन चुका है। तो उसका शराब संपुट रखते हैं, शराब संपुट एक दिस शराब संपुट ऐसा रहता है। इसमें हम क्या करते हैं जो द्रव्य जो भावित जो द्रव्य रहते हैं उसके थ्रू भावना देने के बाद हम क्या करते हैं उसकी चक्रिका बनाते हैं। ऐसे कुछ गोल गोल मतलब नॉर्मली राउंड शेप के हम क्या करते हैं चक्रिका बनाने के बाद उसको इस शराब संपुट में रखते हैं। बाद में हम उसको अगेन सेम साइज़ के शराब संपुट ऊपर से रखते हैं और उसका उसको मिट्टी से लेपित कर देते हैं, यानी कि उसका संधि बंधन कर देते हैं, संधि बंधन करते हैं मिट्टी के मुल्तानी मिट्टी से उसको लेपन कर देते हैं। बाद में उसको शराब संपुट वो शराब संपुट हम मफल फर्नेस में रख देते हैं। मफल फर्नेस में रखने के बाद वो एक हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट जो कि दे सकता है। मफल फर्नेस में रखने के बाद हाई इंटेंसिटी देने के बाद ये जो चक्रिका बनाई थी वो चक्रिका कुछ ऐसी बन जाती है। तो बाद में इसका खलवंत्र में पाउडर बनाने के बाद वो भस्म हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे भस्म बनता है। कभी अगर वीडियो रहेगा तो उसको मैं दिखा सकता हूँ कि भस्म कैसे शराब संपुट रहता है। शराब संपुट मैंने वीडियो में दिखाया, शराब संपुट एक अलग से वीडियो लाया, तो उसमें मैंने शराब संपुट का आपको दिखाया कि कैसे वो रहता है और कैसे चक्रिका हम बनाते हैं। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है रिगार्डिंग मारण, दैट इज मतलब तो भावना मर्दन करने के बाद चक्रिका बनाते हैं, उसको शराब संपुट में रखते हैं, उसका पुटपाक करते हैं और भस्म हमारा बन जाता है। तो मारण प्रोसीजर वही रहता है कि शोधिताना लोहा धातुवादी भी मर्दे, शोधिताना लोहा धातुवादी भी मर्दे स्वरस आदि भी ही अग्नि संयोगते, अग्नि संयोगते पुटपाक में अग्नि संयोगते करते हैं, अग्नि संयोगते भस्मीकरण मारणम इति स्मृतम, उसी को हम क्या बोलते हैं मारण प्रोसीजर बोलते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द शोधन एंड मारण। शोधन मतलब होता है शोधनम दोषहरणम, मारण में हम भस्म बनाते हैं। तो शोधन करने से जो रस द्रव्य रहते हैं या फिर जो हर्बल ड्रग्स रहते हैं दोनों हम कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन हमने यहाँ पे आज रस द्रव्यों की बात की। तो उनके जो दोष रहते हैं, उनके जो इम्प्योरिटीज रहती है वो निकल जाते हैं, वो इराडिकेट हो जाते हैं और मारण से हम इंसिनरेशन यानी कि भस्म का निर्माण करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट।